महाराष्ट्र के पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए प्लांट में आग लग गई है। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। दमकल विभाग की 15 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड बना रही है, जिसकी आपूर्ति भारत समेत कई देशों में की जा रही है। आग पुणे के मंजरी में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए प्लांट में लगी है। पिछले साल ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस प्लांट का उद्घाटन किया था, लेकिन अभी इस प्लांट में वैक्सीन का उत्पादन नहीं शुरू हो पाया है। फायर ऑफिसर के मुताबिक प्लांट में 4 लोग फंसे थे, 3 लोगों को बचा लिया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला ने कहा कि फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने पर हमारा फोकस है। पुणे के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि आग मंजरी प्लांट में लगी है, वैक्सीन का उत्पादन वहां पर अभी नहीं शुरू हुआ था, लेकिन बाद में इसे शुरू करने की तैयारी चल रही थी। आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। प्लांट को खाली करा लिया गया है। बताते चले कि अभी कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का प्रोडक्शन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए प्लांट से करीब 1 से 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित पुराने प्लांट से किया जा रहा है। इस प्लांट का निर्माण 1996 में किया गया था। यहीं पर कोविशील्ड वैक्सीन का प्रोडक्शन हो रहा है। कोविशील्ड का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करने की तैयारी नए प्लांट से थी, जिसका कुछ हिस्सा फिलहाल आग की चपेट में है। सूत्रों के मुताबिक मंजरी के इस प्लांट में कोविशील्ड के प्रोडक्शन के लिए मशीनरी लगाने का काम शुरू हुआ था। इन नए प्लांट के टर्मिनल 1 में CEO अदार पूनावाला ने अपना कॉरपोरेट ऑफिस बनाया हुआ है। बताया जा रहा है कि आग टर्मिनल 1 में लगी है, जिस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग पर अभी सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। आग लगेगा।